हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। और मम्मी क्या कहना चाहोगे? बहुत बढ़िया। हेलो कह दो। हेलो। और ये रहा हिटलर। मौसम का कुछ ठिकाना नहीं है, कभी बादल होते हैं, कभी उड़ जाते हैं। सब जगह पे तो बारिश हो गई है। मुंबई में भी बारिश पड़ रही है, कल देखा मैंने। हाँ, आ रही है यहाँ से। देखो अभी मटेरियल तो रेडी करे। बोले अभी मैं पराठे बना दूँ, मैंने बोला पोहा बना दे। बोले नहीं, हमें नहीं पसंद, अपनी दादागिरी चलाएगी। ये रही, ये कहाँ गई ये? तो अभी देखते हैं क्या खाते हैं हम नाश्ते में। आज का नाश्ता बड़ा ही टेस्टी होने वाला है। टेस्टी इसके लिए क्योंकि आज मैं बना रही हूँ अपने नमक और मिर्च वाले परांठे, साथ में छोटी इलायची वाली चाय, और साथ में हम मैं और मम्मी लेंगे अचार। ध्यान से देखो इस शख्स को, क्या बनाएगी? परांठे ले रहे, खा लेना अचार के साथ। ले ये अचार नहीं खा, ये अचार नहीं खा सकती क्योंकि जब भी ये अचार या कोई खट्टी चीज खाती है इसके पिंपल्स होने लग जाते हैं और इसका सिर पूरा से चकराने लग जाता है। क्या क्या जिंदगी में तूने अचार भी नहीं खा कर देखा, तो क्या जिंदगी जी तूने? ये अचार सच में बहुत टेस्टी है, खट्टा भी था, तो मैंने बोला चलो इस बेचारी के लिए पोहा बना दूंगी। बट पहले मैं खुद नाश्ता खा लूँ, उसके बाद बेटा मेरे को भूख नहीं लगी, मैं उसके लिए काम नहीं करते तो बनाते पहले। तो कल एक मेरे लिए छोटा सा सरप्राइज आने वाला है, मतलब मेरा छोटा सा गिफ्ट है, बर्थडे गिफ्ट। जो मुझे मतलब भैया ने पूछा था कि क्या चाहिए, तो मैंने वो चीज़ मांगी, वो आपको कल दिख जाएगी कि मैंने क्या मांगा है। आने वाला मेरा बर्थडे गिफ्ट, वैसे इन सबको तो पता है क्या है, आपको दिखाऊंगी मेरा बेस्ट। छोटा सा ही है तो बहुत अच्छा है, मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो पहले लड़की ना ना करते रही, पर फिर इसने लास्ट में मुझे पोहा ही बना दिया। बोले ले खा तू भी आज का। और बाहर थोड़ी थोड़ी सी बारिश बूंदाबांदी से हो रही है ना मम्मी, ये ज्यादा नहीं पड़ेगी, कम में ही बंद हो जाएगी। ये तो ज्यादा बर्बाद करते हो। हाँ, ये तो अभी बस बंद हो जाएगी 10-5 मिनट में। बस किचड़ चेक कर जाएगी कि हमारे कुत्ते भीग सके, और हमारे कुत्ते फिर किचड़ लेके घर में आते हैं, इन्फेक्शन कराते हैं। तो ये तो हमें पता ही था कि जब थोड़ी सी भी बारिश पड़े और लाइट तो जाने वाली है, और लाइट जा चुकी है। मम्मी क्या कहना चाहेगी लाइट पे? इनको तो बहाना चाहिए लाइट का। इतना सा पानी पड़ा है जैसे कि ऊपर से पानी नहीं फेंक रहा और उसमें लाट काट दिए, बदतमीज जीटीपीएल वाले। वैसे तो ये सब गालियां दे रहे थे कि हमें पोहा नहीं पसंद, अभी सब मांग रहे इससे। क्यों? अभी तो बोल रहे थे मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद है। इतना ना भैया भी बोल रहे जो बोलते हैं, मुझे तो पसंद ही नहीं है। क्या कहना चाहोगे भैया? मम्मी तो खाने भी लगे चढ़ी चढ़ी, शर्मिंदा है। तो अभी हम लोग खाना खा के जाने हैं अपना माल वगैरह देने, क्योंकि 3-4 दिन से गए नहीं, क्योंकि बीच में बर्थडे भी था ना, मम्मी एंजॉय किए ना, पर हमने तो फटाफट साथ में एक बार तो मम्मी पहले तो काम मनाते थे, अपने काम मनाते थे। मनाया कभी आज तक? बोल कभी मनाया हमने? कभी इतना पैसा नहीं। मम्मी सिर्फ हमें गुरुद्वारे ले जाती थी और माथा टिका के ले जाती थी, और इस बार हमने मनाया जितना हुआ। तू भी खा रही है? ये बोल रहे हैं कि हम तेरे जाने के बाद चाय पियेंगे, मेरा वेट भी नहीं करेंगे। इतनी लेट हूँ ना, पागल है क्या? वगैरह दे, अभी मैं जा रही हूँ नहाने, फिर हमें आज बनानी है वीडियो, क्योंकि आज ही टाइम है, कल फिर से वीडियो दे क्योंकि एक ही दिन होता है। और क्या बना रही है खाने में? दाल वही रायता वही सब्जी, आज तो कुछ हुआ ही नहीं दिन में। कोई ना, अभी देखते हैं आगे क्या होता है। अभी मैं फिलहाल वीडियो यहाँ पर ट्रांसफर करूँगी और पहले नहा लूँ, बहुत गर्मी लग रही है। और बारिश पड़ी तो उससे कोई फायदा नहीं हुआ, गर्मी बहुत करती गई है, बादल हुए हैं, पता नहीं कितने दिन बाद बारिश प्रॉपर पड़ेगी। हिटलर को वॉक से ले आए हैं, पीटर देखो एकदम हाफ चुका है, और ये रहा हिटलर ऊपर आके सो गया है। इस लड़के ने पैर तक साफ नहीं करवाए, वैसे ही गंदे पैर लेके आगे बैठ गया। कोई नहीं, मैं कौन सही चद्दर लेती हूँ, बिगाड़ दे। और भैया अभी रात को काम करने गए हैं जब लोगों के सोने का टाइम होता है। भैया ने, मम्मी तेरे बेटे ने पूरे दिन में कुछ नहीं किया, अब क्या है काम करने? हमें अपना काम नहीं करना, हमारे वीडियोस नहीं लेकर जाएंगे। पर मैं भी अपना दिमाग लाऊंगी, मैं यहाँ पर करूँगी वीडियो एडिटिंग, क्यों कोई बहाना ना बचे दीदी के लिए। मेरे को शांति से एडिटिंग करनी थी, बट मेरे आईपैड ने मेरा साथ नहीं दिया, उसने मेरा साथ छोड़ दिया, क्योंकि उसमें एडिटिंग हो ही नहीं रही है। जहाँ से मैं वीडियो ट्रांसफर करके कुछ काम नहीं कर रहा है, अभी भैया कुछ करके गए हैं वो हो रहा है, तो पहले मैं वीडियो बनाऊंगी बाद में एडिटिंग होगी मुझसे लेट, और उतनी लेट ब्लॉग जाएगा और उतनी लेट में सोएंगे। तो 7 तो बजने ही वाले हैं। नहीं, अगर अपने 5 बजे तक वीडियो बना लें तो भी ठीक है, तो जल्दी करना, खाना ले आ। बैठ गई है, कोई भैया गए, भैया नाने गए, अपना नाने गए। देखो मैंने बोला था ना लेके आ, जा लेके आ खाना।
चावल है आज तो। और आज पता है हम काफी टाइम बाद मेहंदी वाले चावल खाना है ना। कौन से दावत? बासमती। यस, वो तो होता है ना, एक एक इतने इतना चावल होता है, एकदम खिला खिला प्यारा सा। तो आज इस लड़की की जन्मों की ख्वाहिश पूरी हो गई, पापड़ और साथ में चावल खा रही है। कैसे खा रही है? जैसे बड़ा पापड़ का बुड़का तोड़ती है, फिर चावल भरती है, फिर मुंह में डाल लेती है। हाँ सच में भी चावल तो बड़े ही बड़े बड़े हैं। और दाल, साथ में दाल, दही और खीरा, साथ में पापड़। ये लड़की को मेकअप का एम नहीं आता और अपने आप मेकअप करने लगी है। मतलब मैंने मस्कारा बिगाड़ दिया तो वही ठीक करने लगी। ओ इतना झूठ, धड़कन दिखा ना थोड़ी सी। फाइनली अभी हम लोग वीडियोस बना के फ्री हुए हैं और पूरी गर्मी लग रही है। मैंने आपको आज तक इसका लुक नहीं दिखाया ना, तो ये देख लो, ये बनती है इस टाइप का लड़का। ये रही इसके उतार दी, क्योंकि ये बोले मैं लड़का ऐसे कैसे आ सकती हूँ। और पूरा थक चुके हैं अभी, मेरे को जाके एडिटिंग फटाफट करके मैं सो जाऊंगी। आज के लोग यहीं पे इसी लुक में इसी मेकअप में एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे कल। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। अपना ध्यान रखें, फैमिली का ध्यान रखें।